और जो ये देख रहे हो आप स्पोर्ट्स पेवेलियन ही, और ये आगे का व्यू है यहाँ पे, सो बैडमिंटन कोर्ट। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे यूनिवर्सिटी का जो भी कैंपस है आसपास का पूरा व्यू आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी मैं हूँ मेरे हॉस्टल, आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है। और यहाँ से अभी मुझे निकलना होगा और बाहर का मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ मेरे हॉस्टल। गाइस, मैं अभी हूँ मेरे यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे। इसके दो गेट है वैसे, एक है मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ से, और ये एक ये वाला है जो पुराना गेट है ये वाला। और यहाँ से मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। पीछे देख रहे हो आप, वो मेरी यूनिवर्सिटी है और यहाँ का भी वैसे अच्छा है। और पीछे जो देख रहे होंगे आप, पहाड़ दिखा होगा आपको, पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में बनी हुई जंगल, थोड़ा जंगल को थोड़ा साफ करके उसको बनाया गया। और वैसे कॉलेज जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान की नंबर वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और इसकी जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, उसमें मैं पढ़ता हूँ। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बेस्ट, वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। ये देख सकते हो मेरी यूनिवर्सिटी, और ये आगे का व्यू है यहाँ पे। अच्छा। छोटा सा गार्डन और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति यहाँ पे। और आगे जैसे जाऊँगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, वो भी मैं अभी आपको चल के दिखाऊंगा। कुछ टाइम पहले तो घर पे ही था मैं, बट अभी यूनिवर्सिटी में आ गया यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो उस कुछ टाइम पहले मेरी छुट्टी आई थी, तो अभी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अभी स्टडी भी चालू हो गई। तो शायद आगे आने वाले वीडियोस आपको थोड़े लेट मिले, टाइम टू टाइम ना मिले। तो गाइस, थोड़ा आप वेट कीजिएगा आने वाले वीडियोस के लिए, क्योंकि ये वीडियो भी मैं थोड़ा लेट अपलोड करूँगा। अभी थोड़ी एग्ज़ाम्स भी आ रही है और थोड़ा स्टडी पे भी फोकस है, तो आप थोड़ा वेट करना और सपोर्ट करना गाइस पूरा, क्योंकि अभी न्यू व्लॉग बना रहा हूँ तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा इतना। और थोड़ा आगे आया हूँ तो यहाँ पे जंगल सा बना रखे हैं कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने, तो इसको मेरे को लगता है साफ़ करवाना चाहिए थोड़ा। इधर क्या है, पैंथर का भी डर ही रहता है, पैंथर वेंचर क्षेत्र, यहाँ पे जंगल है ना, तो पैंथर वेंथर का आने का डर रहता है। तो मुझे लगता है शायद इस जंगल से थोड़ा ज़्यादा पैंथर आने का डर रहेगा, तो इसको कॉलेज के थोड़े एरिया, कैंपस को थोड़ा साफ़ रखेंगे तो ही अच्छा होगा। तो मैं तो हमारे कॉलेज वालों से यही विनती करता हूँ कि इसको थोड़ा साफ करवाइए। अरे कहना क्या चाहते हो? और गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ मेरे क्रिकेट ग्राउंड में, और क्रिकेट का तो वैसे भी मैं बहुत अच्छा खेलने का मुझे शौक है, खिलाड़ी तो नहीं हूँ बट क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो मैं उसी ग्राउंड में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता रहता हूँ। और ये जो सड़क देख रहे हो आप पीछे, मेरे पीछे मैं वहीं से आया हूँ अभी पैदल, जो मेन गेट है वहाँ पर, वहाँ का जो हमारे यूनिवर्सिटी का। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे क्रिकेट ग्राउंड में, और आपको भी मैं मेरा क्रिकेट ग्राउंड दिखाता हूँ। और यहाँ यहीं पे ज़्यादातर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और जो ये देख रहे हो आप स्पोर्ट्स पेवेलियन, यहाँ पे कोई बैठता तो नहीं है वैसे, बंद ही रहता है हमेशा। मुझे समझ नहीं आता इसको खोलते क्यों नहीं, ओपन क्यों नहीं करते इसको, कभी मैंने तो देखा ही नहीं आने के बाद कि ये कभी वो ओपन भी हुआ था कॉलेज लाइफ में आने के बाद, कभी नहीं हुआ। जो देखने वाले होते हैं वो या तो यहाँ इधर आसपास बैठ जाते हैं या फिर रोड के उधर खड़े हो जाते हैं। ये वाला गाइस फुटबॉल ग्राउंड है, और उसके जो बगल में है वो वाला है हॉकी ग्राउंड, और यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, और उसके जस्ट बगल में है बास्केटबॉल, जो अभी मैं आपको चल के दिखाने वाला हूँ। साइंटिस्ट हॉस्टल, और यहाँ पे बास्केटबॉल, और ये टेबल टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल, और वहाँ से आपको मैं हॉस्टल का व्यू दिखाता हूँ। मेरे हॉस्टल का नेम एम वी हॉस्टल है, आपका अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा मैं, तो पूरा देखना वीडियो आप। नहीं रोड जाती है इसी डिपार्टमेंट में, और जस्ट इसके पास में यहाँ पे एम वी हॉस्टल है। मेरे हॉस्टल का व्यू है, सामने जो बिल्डिंग्स बनी हुई वो ओल्ड विंग्स है, और ये वाली विंग्स है वो न्यू विंग है। और जो यहाँ का जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल गंदा हो रखा है, कोई सफाई नहीं करते इधर, जो काम वाम करते बिल्कुल, जो ये लोन वोन है बिल्कुल काट नहीं काटते। पता नहीं यार इनको क्या मिलता क्या है, यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई कर दी तो कॉलेज भी अच्छी लगी, ऐसा बना रखा है जैसे कोई गधों का खच्चर हो। मैं अभी आ चुका हूँ मेरे रूम में,
230 रूम नंबर जो मेरा रूम है। और इस वीडियो को अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, कैंपस टूर का सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। और बाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।